नंदनकानन सिंह सफारी बस दुर्घटन आहत यात्री मृत्यु मृत यात्री होती खोर्धा अंचल अमीय भारीमल घर हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु हो घटना पर नंदनकानन कर्तृपक्ष दायी कर परिवार लोके मृतकों पर 50 लाख टंका क्षतिपूरण दावी कर गत 3 तारीख में अमीय सांग सहित नंदनकानन बुली जाता बेले सिंह सफारी बस धक्का अमीयंकर अन्य दुई जन साथी आहत होते मृत पर्यटकों शव व्यवच्छेद कैपिटल हस्पिटाल रखी देखिपुवक खोर्धा अंचल अमीय भारीमल जहां मृत्यु पूर्व आहत होते घर हस्पिटाल चिकित्सा करन तारीख में घटी एक घटना सिंह सफारी बस धक्का अन्य तीन जन सांग तेज मृतकों पर 50 लाख टंका क्षतिपूरण दावी कर वर्तमान समय वर्तमान शव व्यवच्छेद रखी चित्र रही कैपिटल हस्पिटाल परिसर से लोक माने दावी करिछंती अमीयों पर 50 लाख टंका दावी दि जाऊ नंदनकानन कर्तृपक्ष भूल ए दायी करिछि पूरा परिवार एवं कर्तृपक्षर अवहेला एक घटना घटला से दायी कर सीधासल कैपिटल हस्पिटाल परिसर को जीवा प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय अच्छा सुमंत मृत्यु होमियों प्रकृत में कौन एत सीरीयस है प्रकृत जीवन गला कौन देखुं पूरा चित्र से अविनाश गोटे बड़ कथ कि कारण नंदनकानन जाते तीन तारीख में मौज करने सांगसाथी मान सहित कितु आकस्मिक भाव में घटला दुर्घटना जहाँफल जीवन जाठ संघर्ष कर जीवन सहित कारण अमीय रंजन भारीमल गोटे गोटे संवेदनशील घटना और गोटे शोकाकूल परिवेश सृष्टि होती देखुं परिवेश माहौल किभली रही कारण आत्मीय मैंने परिजन मैंने पहुंची कारण आंबुलांस मर शरीर रही कारण गोटे बड़ कथ हो कारण जिते बारे सांगसाथी जाते 5 जन गुरुतर भाव में आहत होते से 3 जन गुरुतर थे तेज मोटामोटी भाव चित्र जहाँ कह कारण पर लोक पहुंच सारी कारण जो भाव में घटना घटला मोटामोटी भाव में नंदनकानन थाना एफआईआर देते आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना आज कौन रही मोटामोटी भाव में कारण जो गोटे घटना घटला आपण कौन रही मुख्य दावी हूँ नंदनकानन कह कह जो नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी जो मसरे सब पर्यटक मैंने पर्यटन स्थल की जाती यही भाया जदि नंदनकानन भितर सुरक्षित न मिल लोक मान भरोसा तुटीज जदि आम ओडिशा बाहर ओडिशा बाहर भी आस लोक मैंने भितर जो ये टाइप रही 20 वर्ष पिलाटी हर बापा मा मान कौन थी आप मीडिया द्वारा कह कौन कर मीडिया द्वारा सचेतन करातु नंदनकानन पर्यटन मान के सुरक्षित डिमांड देखो डिमांड भी कौन करेंगे डिमांड भी कौन करेंगे गोटे गोटे तर गोटे बोली पुओ सी तो पल डिमांड कौन करेंगे शोकाकूल परिवेश सृष्टि कारण जेहेतु आप देखुं घटना को कारण पाठ पढ़ु अवस्था ध्यान सर मोटामोटी प्रतिक्रिया कौन रही कारण आसान आप डिमांड करुले कौन आज रुख्य मुख्य डिमांड रही 50 लाख टंका नंदनकानन कर्तृपक्ष जन को सर्विस दि जाऊ आउ जदि न दि जाव आम आज डायरेक्टर ऑफिस घेराउ करू दरकार पड़े राजा रास्ता को लैबू आलोचना से जहाँ कहले सरकारी आईन अनुसार जहाँ कार्यक्रम हम से आम सन्तुष्ट नुह एणु आम बर्तमान डायरेक्टर हूँ कि सरकार हूँ जो पर्यटन प्रतिश्रुति नदे संपूर्ण भाव में आम से पर्यटन आज डायरेक्टर ऑफिस आगे धारणा देव आज दरकार धारणा दिज्व अविनाश शुणुंत कि मोटामोटी प्रतिक्रिया रही कारण विधानसभा घेराउ करेंगे आवश्यक पड़े नंदनकानन धारणा देवे ये हूँ मोटामोटी दाबी रही 50 लाख टा दाबी रही सर आप मोटामोटी प्रतिक्रिया कौन रही जेहतु आपर संपर्क भाई हे आप कौन कहे देखो आम तार संपर्क भाई निश्चिंत आज समस्त दुखित आज ए घटना भी ए घटना भी सारा ओडिशावासी भी वर्तमान न्यूज देखु ये जो दुखन पर गोटे पुओ तार 19 वर्ष पुओ चलीगला पु किए फेरई पार आज जब पुओ जी न फेर पारे तो 50 लाख टंका सरकार दिंतर डीएफओ को गिरफ्त करापर जब न गिरफ्त करश्चिंत विधानसभा राजस्था को ओल्लैबू कहले जो गाड़ी चली कारण कंडीशन कौन थी गाड़ी रही आपने दाबी करते आगुरी गाड़ी भाई फिटनेस ठीक ना गाड़ी परमिट ना कि ना ड्राइवर मतल अवस्था गाड़ी चलिए।
ଯାହାକି ନିଜର ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି ଆଜି ଯେ ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆଘାତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ କିଛି କହି ହଉନି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ବି ସବୁ ମାନେ ଥାନାରେ ମାନେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ। ଦାଦା ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା ଆମର, ଏତେ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବ। ନନ୍ଦନକାନନ ବସ୍ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ପରିମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ତଲାସୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଦେଉ, ନହେଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସନାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛଅଟି ଛାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଛାତ୍ର ଯାଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟିକ ମରିଗଲା। ଆଉ ଛଅ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ, କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ସେମାନେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଏବଂ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ମୌଜ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ, କିନ୍ତୁ ମୌଜ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ।